हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राहुल केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चे आज मैं आपको एडवांस के आईआईटी के क्वेश्चंस करवाने लगा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ क्वेश्चन देखे होंगे आपने, तो वो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो और एक बार खुद ट्राई करो, फिर ये वीडियो देख लो। राइट, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका था, कैलकुलेट द क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। वो कहता है 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में रिड्यूस करना है, तो रिडक्शन के लिए हमें यहां पे चाहिए 3 मोल H2 के, और ये रिएक्शन FeHCl SnHCl ये कैटलिस्ट होते हैं। ये अभी आपने नहीं की होगी ऑर्गेनिक, तो ये आगे जाके मींस में आता है। तो अगर आपने अभी ये चीज आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कर सकते हो अभी भी। राइट, तो देखो, तो आपने पेपर में भी ये नहीं सोचना कि आपने कौन सा, आपने तो ये कंसेप्ट नहीं किया, मेरे को नहीं पता ये रिडक्शन कैसे होती है तो मैं आगे कैसे प्रोसीड करूं। नहीं, एक बार ट्राई जरूर करो, कंसेप्ट देखो आपको क्या कंसेप्ट पता है, आप वो कंसेप्ट लगाओ। ठीक है, तो देखो, तो वो कहता है 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करना है। ठीक है, ओके, तो वो हम करेंगे। और सेकेंड पार्ट भी है इसका, इफ द करंट एफिशिएंसी फॉर द प्रोसेस इज 50%, करंट की जो एफिशिएंसी वो कितनी दी है 50%। If the potential drop across the cell is 3 volt, how much energy will be consumed? और वो कहता है potential 3 volt है, तो total energy कितनी consume है वो भी निकाल दो। तो सबसे पहला काम तो यही है कि चार्ज निकालना, सिंपल फैराडे लॉ लगाना। राइट, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम से स्टार्ट करते हैं, अगर सोडियम है यहाँ पे तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है सोडियम बन जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे केस में हमें इलेक्ट्रॉन पहले देखने पड़ेंगे, है ना। तो हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं, नाइट्रोजन पे सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको चार्ज, नाइट्रोजन पे चार्ज निकालते हैं। नाइट्रोजन का एक बॉन्ड कार्बन के साथ, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर आया कार्बन पे आया +1, इस पे आया होगा -1। ठीक है, फिर दो ऑक्सीजन लगे, दोनों के ऑक्सीजन स्टेट वहां पे -2, तो नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा +2 एक से, +2 दूसरे से, तो टोटल ये रहा नेट चार्ज जो कि किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर, और ये कितना आया +3। ठीक है, कितना आया +3, कैसे बचे +2 +2 +4 और -1, कितना आ गया +3। ठीक है, अब इधर चलते हैं, अब यहां पे कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कार्बन से भी हाइड्रोजन से भी, तो ये बॉन्ड टूटेगा चार्ज क्या आएगा -1, ये बॉन्ड टूटेगा चार्ज क्या आएगा -1, ये बॉन्ड टूटेगा चार्ज क्या आएगा -1, तो टोटल चार्ज क्या आ गया अपने पास -3। तो आपने देखा नाइट्रोजन का जो चार्ज है वो +3 से -3 जा रहा है, यानी कि वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहां आ गया आपका -3। ठीक है, तो यहां से आपको साफ पता लगा ये एक नाइट्रोबेंजीन में एक ही नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब हमें इसका एक मोल अगर आपको रिड्यूस करना तो 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। राइट, और एक मोल का हमें मास टू मास रिलेशन गिवन है, तो हम मास में इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया एनिलीन, इसका नाइट्रोबेंजीन का C6H5NO2। C6H5 बेंजीन होता है, एक एच कम हुआ 78 में से गया 77, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 32, O2 2 × 16। ठीक है, कितना आ गया 91, 91 प्लस 32 123, कितना आ गया, ये भी आ गया 123। और क्वेश्चन में देखो हमें ये भी इतना की गिवन है कुछ, है ना, डेसिमल इधर है तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान है। देखो 123 ग्राम, 1 मोल मतलब 123 ग्राम, अगर 123 ग्राम नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस करना होता तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती 6 फैराडे, हमें कितना करना है 12.3, तो 12.3 के लिए आप क्लियरली देख सकते हो एक डेसिमल शिफ्ट होने वाला है, 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप लिखना है 123 इंटू 12.3, कैंसिल 10 बचा, यानी कि 0.6 फैराडे। ये चार्ज तब है जब आपकी एफिशिएंसी 100% है, लेकिन हमारी एफिशिएंसी कितनी है, करंट की एफिशिएंसी बचे 50%, तो 50% है, तो ये साफ पता लग रहा है कि डबल होने वाला है, 1.2 हो जाए। अगर मैं ये क्वेश्चन पेपर में कर रहा था मैं सीधा 1.2 के साथ आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करता, लेकिन यहां पे मैं आपको एक और चीज बताने लगा, ध्यान से सुनना, मान लो 50% नहीं है, करंट की एफिशिएंसी है 47%, तो फिर कैसे इसके हल होगा। ठीक है, तो वो चीज समझ लो, अगर परसेंटेज अलग सी दी है या 13% 20% 19%, तो क्या करना देखो, तो ये टोटल का, टोटल करंट का एफिशिएंसी लगाने के बाद इतना रह जाना चाहिए, है ना, तो टोटल करंट इससे ज्यादा होगा, यानी कि 50% आपको जितनी भी परसेंट दी हो, 50% ऑफ दैट अमाउंट, यानी कि 50% ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0.6,
तो यहां से आएगा, ठीक है, ये कितना है 1/2, और x आ गया 1.2, ये 1/2, ये 2 इधर गया, 1.2 का है। तो हमें यहां पे तो पता था आपको कि डबल हो जाएगा, लेकिन अगर परसेंटेज कुछ अलग दी होती तो कैसे करना मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये वो चार्ज है जो आपको चाहिए, जिसकी वो बात कर रहा है, ठीक है। करंट कह रहा क्वेश्चन में, करंट नहीं निकलेगा, चार्ज ही निकलेगा, क्योंकि हमें टाइम नहीं पता, ठीक है। उसके बाद कहता है वर्क निकालो, यानी कि एनर्जी निकालो। एनर्जी इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज कितना, इतना 1.2 इंटू 96500, यहाँ आगे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। और पोटेंशियल कितना, 3 वोल्ट, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आएगा 11580, 11, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11580 इंटू 3, तो नेट आंसर आने वाला 347400, आई थिंक, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, 400, ठीक है, यानी कि 347.4 किलो जूल। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने करा दिया, सेकंड क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं, आप लोग वो भी ट्राई करो, राइट।